गुड मॉर्निंग सभी लोगों को। भैया कैसे हैं आप लोग? भैया हम लोग एकदम ठंडे ठंडे हैं इस ठंडे से जगह पे, जहाँ अक्टूबर के मौसम में यहाँ पे लिखा भी है, बताया भी जाता है, धूप निकलती है, वहीं पे सिर्फ और सिर्फ पानी लिपिर लिपिर बरस रहा है। और इसका कारण यहाँ मोनेस्ट्री में बताया गया था कि जो ट्रेवलर्स होते हैं, बहुत सारे लोग टहलने आते हैं, एक यहाँ पे पवित्र लेक है जिसको माधुरी लेक बोला जाता है, जो कि कोयला मूवी में जो शूटिंग हुई थी तो माधुरी दीक्षित आई थी, तो उसका नाम माधुरी लेक पड़ गया है, वरना उस लेक को बहुत पवित्र माना जाता है। वहाँ पे लोग गंदगी करते हैं, उसकी वजह से ऐसा लामा कहते हैं। और सच में कहीं भी गंदगी नहीं करना चाहिए, आपको ग्रीन सिटी और क्लीन सिटी बना के रखना चाहिए, स्वच्छ भारत अभियान का हिस्सा ज़रूर बनना चाहिए। और बहुत सारी चीज़ें यहाँ पे जानने को मिली। और भाई हम लोग पूरी रात जो है हम कहीं सो नहीं पाए, क्योंकि इतनी ठंडक थी। मेरे पास दो जैकेट थी, मैंने दोनों जैकेट पहन ली, कैंप के अंदर चले गए और बस हाँ, एक घंटे के लिए जब बहुत बुरी नींद होती ना, वो आई हमको। उस एक घंटे की नींद में हम एक घंटे बाद उठा बाहर गया, मैंने कहा अरे सुबह हो गई। मैंने उससे पूछा, उन्हें कितना बज गया है? सुबह 4-5 बज गया है। मेरे दोस्त से कहता, अबे अभी तो 9 बजा है। 9 बजा है, उजाला है। कह रहा भाई 9 बजा, फिर अपने घड़ी पे देखा 9 बजा है। और ऐसे ही करते करते हमारी रात इतनी लंबी हो, ठंडक की रात इतनी लंबी नहीं होती, लेकिन हम सो नहीं पाए, इतनी ज़्यादा ठंडक है इसलिए रात इतनी लंबी हो गई। तो हम इस वक्त आ चुके हैं मोनेस्ट्री। मोनेस्ट्री में आपको बहुत सारी चीज़ें दिखाएंगे। पहले तो आपको बता देते हैं, मोनेस्ट्री ये अरुणाचल प्रदेश में हम लोग हैं, और बहुत बड़ी मोनेस्ट्री है तवांग की ये, और देखने में बड़ा सुंदर है, बड़ा अच्छा है, टेम्पल है ये। आप देख सकते हैं पूरी बुद्धिस्ट संस्कृति झलकती है और काफ़ी प्यारा है। आप इन सारी चीज़ों को देख सकते हैं। यहाँ पे हर बुद्धिस्ट आता है सुबह सुबह, पूजा करता है, और इसको शायद मुझे ऐसा लगता है गुड लक के लिए इस्तेमाल किया जाता है, शायद, मुझे पता नहीं है। और ये जो है बहुत भारी है, इसको चलाने के लिए काफ़ी वेट की, मतलब काफ़ी ताकत की ज़रूरत पड़ेगी। अरे वाह, अरे वाह। और ये इस तरीके से चलता है, और आपकी वो बेल लगी हुई है जो कि ये घूमने पे चलता है, और इन सबको गुड लक के लिए शायद इस्तेमाल करता है। और बुद्धिस्ट मान्यताओं के अनुसार किसी चीज़ के लिए इस्तेमाल किया जाता है, मतलब इसको घुमाया जाता है इस तरीके से। सेकेंड ये लार्जेस्ट मोनेस्ट्री। अच्छा, फर्स्ट आपका तिब्बत में है और सेकेंड ये लार्जेस्ट ये मोनेस्ट्री है, और यही मैं यहाँ पे देखने आया था और आपको दिखाया, काफ़ी ज़बरदस्त। हाँ, और वो है आपका टेंपल, ठीक है, बात करके परमिशन लेके पूछते हैं, अगर अंदर दिखा सकते हैं दिखा देते हैं। तो ये ले चलिए, आपको ले चलना है, ज़्यादा बोलेंगे नहीं, क्योंकि यहाँ पे लिखा हुआ प्लीज़ साइलेंस। और ये देखिए यहाँ पे चल रहा है परमिशन लेने के बाद। ये इंडिया की सबसे बड़ी और वर्ल्ड की सेकेंड नंबर पर, और वो देखिए पूजा पाठ चल रहा है। मैं ज़्यादा बोल नहीं सकता क्योंकि साइलेंट रहना पड़ेगा, म्यूज़िक आवाज़ हमें अपनी ज़्यादा तेज़ नहीं रखनी है। वहाँ पे वो पूजा हो जाता है, और ये देखिए आप, बहुत प्यारा बना है। सामने बुद्धा जी की मूर्ति भी है, बहुत ही प्यारी, विशाल का है, बहुत बड़ी। तो चलिए आपको इस मठ के बारे में कुछ जानकारी भी दे देते हैं। तवांग मठ भारत के अरुणाचल प्रदेश में स्थित एक बौद्ध मठ है। यह भारत का सबसे बड़ा बौद्ध मठ है और ल्हासा के पोताला महल के बाद विश्व का सबसे बड़ा मठ है। यह तवांग नदी की घाटी में तवांग कस्बे के निकट स्थित है। 300 साल पहले बने इस मठ को बौद्ध भिक्षु अंतरराष्ट्रीय धरोहर मानते हैं। इसे 1680 में मिराक लामा लौद्रे ग्यास्तो ने बनवाया। इसमें 570 से ज्यादा बौद्ध भिक्षु रहते हैं। समुद्र तल से 10,000 फुट की ऊंचाई पर तवांग चू घाटी में बने इस मठ में दुनिया भर के बौद्ध भिक्षु और पर्यटक आते हैं। पहाड़ी पर बने होने के कारण तवांग मठ से पूरी तवांग घाटी की खूबसूरत दृश्य देखे जा सकते हैं। यह मठ दूर से दुर्ग जैसा दिखाई देता है। इसके प्रवेश द्वार का नाम काकालिंग है, जो देखने में झोपड़ी जैसा लगता है, और इसकी दो दीवारों के निर्माण में पत्थरों का प्रयोग किया गया है। इन दीवारों पर खूबसूरत चित्रकारी की गई है जो पर्यटकों को बहुत पसंद आती है, और हमको भी भाई पसंद आई, और उम्मीद करते हैं आपको भी पसंद आई। और आपने जो बुद्धा जी की इतनी बड़ी विशाल काय मूर्ति देखी ना, इसको देख के एकदम हमारा दिल गदगदा के हो गया नमन की तरफ। तो भैया आपको कैसा लगा जरूर बताइएगा कमेंट बॉक्स में, इंतजार रहेगा।
सॉरी यार, तेज नहीं बोल सकते क्योंकि पूजा चल रही है, पूजा में तेज, और वीडियो के लिए हम किसी पूजा को भंग नहीं कर सकते ना। तो हम उम्मीद करते हैं आपको पसंद आया होगा। हम लोग यहाँ से निकलते हैं और बाहर चलते हैं, ठीक है? तो हम लामा जी के साथ म्यूज़ियम चल रहे हैं। कैसे हैं आप? बहुत बढ़िया। आपका नाम क्या है लामा जी? मेरा नाम नुरबू है। नुरबू, तो भैया अब हम आपको म्यूज़ियम लेके चलते हैं। लामा जी की परमिशन से हमको यहाँ पे एंट्री मिल गई है। और ये देखिए, ये ढोल है, ठीक है, बहुत पुरानी चीज़ है। अभी मैं आपको और भी चीज़ें दिखाऊंगा। ये आप देखिए, ठीक है, बहुत ही पुराना पुराना, और लोगों ने इसके अंदर रुपए दान कर रखे हैं, इसका तो मुझे नहीं पता। और ये सारी बुद्धा संस्कृति, बुद्ध संस्कृति को दर्शाती है, ये देखिए। और अभी मैं आपको बहुत सारी चीज़ें दिखाऊंगा। और ये देखिए, एक छोटा सा गेट बना हुआ है, मैं छेड़ूंगा तो नहीं, बस आपको दिखाने की कोशिश करूंगा। और ये देखिए कितना प्यारा लग रहा है। और ये आपके बुद्धा जी हैं, ठीक है, आप पहचान ही गए होंगे। और ये टेंपल है, जो कि मुझे लग रहा है इसी मोनेस्ट्री की एक छोटी सी कॉपी है, ये उसी को ऐसे बनाया गया है। और ये देखिए, अच्छा, ये खाना बनाने के लिए मुझे ऐसा लगता है, या फिर पूजा सामग्री के लिए कुछ होता होगा। और ये उसका कौछिल जो भी उड़ी जाती वो है। और ये ढोलक वोलक शायद, ऐसा कुछ ढोल है नहीं, इसके अंदर सामान या पानी कुछ ऐसा है, ताम्रपान या कुछ भी ऐसा रखने के लिए है। ये देखिए, पूजा की सामग्री के लिए हमें लग रहा है। और ये स्वेटर कपड़े हैं, जाशोक सिंह गाउन 1970, दिस गाउन वॉज वॉर्न बाय डांसर ड्यूरिंग प्रेजेंटेशन ऑफ बर्ड डांस। अच्छा, ये जो है गाउन, वो डांसर्स पहना करते थे, बर्ड डांस। तो आप इधर देखिए, वाह, ये देखिए, लोगों ने यहाँ पे दान भी कर रखे हैं। और ये कैप है, ये सर पे लगाई जाती है टोपी। और ये देखें मुखौटा, आप उम्मीद करते हैं देख पा रहे हैं उस मुखौटे को। और ये देखिए, ये सारी की सारी आपको बुद्धिस्ट संस्कृति को दर्शा रही है। ये देखिए, ये कैप है या फिर कुछ ढकने वाला है, ये मुझे नहीं पता चल पा रहा है। और ये जो मैंने आपको बताया गुड लक के लिए है, ये बहुत ही पुराना है, इसके बारे में आपको यहाँ पे लिखा भी होगा, ये कब है, कब का है, 19th century का है। और ये बजाने वाला है जो रूपहेरी क्या कुछ बोला जाता है। और ये देखिए, जैसे हम लोग घड़ी या रिंग रखने के लिए इस्तेमाल करते हैं, इसी कोई चीज़ होगी। और ये देखिए, बहुत बड़ा सा भोपा टाइप का जो होता है, जो भी बोलते हैं मुझे पता नहीं एग्जैक्टली वो है। और ये देखिए, म्यूज़िक के लिए शायद ये इस्तेमाल होता है, शायद। ये देखिए, ये तलवार हैं, आप इन तलवारों को देख पा रहे होंगे, बाप रे बाप। और ये देखिए, बाप रे बाप, ये घंटे हैं, छोटे छोटे छोटी छोटी घंटियाँ हैं। और ये देखिए मुखौटा है, मुस्कराता हुआ, ठीक है। कुछ ना कुछ चीज़ें हैं जो बयां कर रही हैं, बहुत ही ओल्डस्ट ओल्डस्ट चीज़ें, इनके बारे में यहाँ लिखा भी हुआ है यार, ठीक है। और ये देखें, शिलालेख इन पर लिखी गई है लिखावट, अब हम मुझे तो समझ नहीं आएगी, पर ये कुछ लिखावट लिखी गई है शिलालेखों पे। और ये देखें कैसा लग रहा है, देखिए आप, ये देखिए, मेरे हिसाब से कुटनी है या कुछ ऐसा है, ये कुछ चीज़ें रखी हुई हैं, ठीक है। तो भाई, यहाँ पे बहुत सारी चीज़ें हैं जो बुद्ध संस्कृति को दर्शाती हैं, और बहुत ही रिचुअल्स चीज़ें हैं, क्योंकि उनकी पूजा, बुद्ध संस्कृति की पूजा में इस्तेमाल होने वाली चीज़ें हैं, रिचुअल्स में, डांस परफॉर्मेंस में। यहाँ तक कि इन ड्रेसेस के नाम भी लिखा हुआ है, खाकर पोई चुपा लहासा शाह वंगरेज शामो रे जोम टैनबस्सु, मतलब इस तरीके से इनके सबके नाम लिखे हुए हैं, लीडिंग टॉर नॉद पाक नम बम और लोटा, इस तरीके से ये है। और ये आपका जो आप देख पा रहे होंगे, इसी मोनेस्ट्री की एक छोटी सी आकृति को दर्शाया गया है, दिखाया गया है। ये मुखौटे हैं, आप इस मुखौटों को देख पा रहे होंगे, बड़ा अच्छा है। और ये पुरानी पुरानी चीज़ें हैं जो कि संजो कर रखी गई हुई हैं। और अच्छा लगा हमको देख कर, आपको ऐसा लगा कि आप इस मोनेस्ट्री कभी आए हैं? अगर नहीं आए हैं तो भाई आज आप आ गए। तो भैया अब हम उम्मीद करते हैं आपने बहुत कुछ देख लिया। और ये आपको मैं अपडेट फिर से कर देता हूँ कि इंडिया का सबसे बड़ा मोनेस्ट्री यही है, और वर्ल्ड का दूसरे नंबर पे, पहले पे कहाँ है?
तिब्बत। ठीक है चलो चलते हैं। उस पहाड़ को देखिए आप और वो कोहरे को देखिए आप, बादल देख रहे हैं आप। नीचे का अगर मंजर देख लेंगे वो भी बहुत ही प्यारा है, बहुत ही सुंदर मंजर है और मज़ा आ रही इसको देख के हमको, कभी ज़बरदस्त है। चलो भाई इस ठरठराती हुई ठंड में हम लोग बाहर निकल चुके हैं। वैसे तो बहुत ज़बरदस्त वाला माहौल है, ये ठंड में मज़ा आती, गर्मी में ना पूरा पसीना तड़तर तड़तर होता है लेकिन ठंड मज़ेदार है। वैसे मोनेस्ट्री से हम बाहर जा रहे हैं ताकि और भी चीज़ें आपको हम दिखा सकें बढ़िया बढ़िया और ख़ुद देख सकें, देखते हैं क्या होता है। ज़बरदस्त है। और भैया लोग कैसे हैं? बढ़िया है। हाँ चलो अब हम आपको ले चलते घुमाते हैं। और ये देखिए कैफे है, और चलते हैं यार देखते हैं।